अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इजी और क्विक किचन टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हैं आप, जो हमारे पास ब्रेड बचती है तो अक्सर क्या होता है, हम उसे ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ब्रेड कड़क हो जाती है और फ्रिज की जो बाकी की जो सामान की जो स्मेल रहती है ना, वो ब्रेड में मतलब मिल जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपने देखा है ब्रेड के पैकेट को अच्छी तरह से हम इस तरह से मोड़ के और जो बचा हुआ पार्ट है ऐसा उसको फोल्ड करके ना फ्रिज में रख देंगे, तो हमारी ब्रेड जो है ना सॉफ्ट भी रहेंगी, कड़क नहीं होंगी, प्लस कोई स्मेल नहीं आएंगी। तो चलिए सेकंड जो टिप्स और ट्रिक है वो बताती हूँ मैं आपको कोलगेट से। तो ये देखिए, हमें कोलगेट ले लेना है और इस तरह से एक स्क्रबर ले लेंगे हम, और जितने भी मतलब हमारा स्टील का सामान है, स्टेन है, जितने भी लगे हैं, कोलगेट से हम ना इसे साफ़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप मेरा चूल्हा, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेन तो नहीं है इसमें, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ जो इसके कॉर्नर वगैरह है ना, तो इस पर बस इस तरह से लगा के इसे ना 5 मिनट के लिए हमें रख देना है। फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। तो पूरे चूल्हे पर मतलब सिगड़ी पर हमारे हम ना अच्छी तरह से कोलगेट को फैलाते हुए ऐसे लगाएंगे, हल्का सा इसको ना रब भी कर सकते हैं आप। ये देखिए जो कॉर्नर पे जो स्टेन जो दिख रहे हैं ना आपको निशान, तो ये भी इससे मतलब रिमूव हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो सेकंड टिप्स और ट्रिक है हमारी किचन की ही। तो ये देखिए जो वॉश बेसिन होता है, जो जिसमें हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं, तो अक्सर क्या होता है इसमें पानी के मतलब हार्ड वाटर जो होता है इसके स्टैंड के निशान लग जाते हैं, मतलब आ जाते हैं इस तरह से। तो कोलगेट हमें इसमें भी लगा के ना रख देना है, और इसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। और जो नल होते हैं हमारे, इस पर भी हमें कोलगेट इस तरह से रब कर देना है, और हल्का सा बिल्कुल ये देखिए ऐसे लगा के हम ना छोड़ देंगे, तो काफ़ी मतलब शाइनिंग करेंगे हमारी बेसिन, काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। गैस चूल्हा तो आपने देखा ही है, तो वो भी काफ़ी अच्छा मतलब चमक गया। तो ये ट्रिक मतलब बहुत काम की है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।